सहारा मैरिज हॉल मुमरा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। मेरे हाथ को यूं नोचता है। कहे तू क्या करके गया? मैं धक्का में पहचानती हूँ, तीन बच्चों की माँ हूँ। अरे जा जा, बहुत देखी तेरे जैसे कि मर्द क्या होते हैं, उसके बाद उसको यही नंगा करेंगे। मैंने उस लड़के को बहुत मारा, उस बकायदा यूं किया गया है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद के पास सादिक नाम के युवक की एक महिला ने पिटाई कर दी है। महिला का नाम हिना शेख है। हिना शेख ने बताया कि कल शाम के वक्त अपनी मम्मी के साथ वो गुलाब पार्क मार्केट गई थी और ऑटो रिक्शा में हिना शेख साइड में बैठी थी, तभी सादिक नाम का एक लड़का और उसके साथ में एक और लड़का था जो नाबालिग बताया जा रहा है। हिना शेख का आरोप है कि सादिक के साथ में जो लड़का था उसने हिना शेख के हाथ पर, यानी कि कंधे से नीचे हाथ पर जो है वहाँ पर उसने पकड़कर दबा दिया, या यूँ कहे कि चिमटी ले लिया, जिसके बाद हिना शेख ने दोनों से गुस्से में आकर पूछा कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, ऐसी हरकत क्यों की। इस दौरान यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहस हो गई और सादिक पर आरोप लगाते हुए हिना शेख ने बताया कि उसने कहा कि तेरी जैसी लड़की बहुत देखी है और मारने के लिए भी दौड़ा, जिसके बाद हिना शेख ने फ़ोन करके अपने भाइयों को बुला लिया और दारुल फलाह मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकलते ही हिना शेख और उसके भाइयों ने सादिक पर मारपीट करना शुरू कर दिए। हिना शेख का कहना है कि कोई उसे गलत तरीके से टच करे या छुए ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। वहीं हिना का ये भी आरोप है कि जब वो लोग ऑटो रिक्शा से आगे बढ़े उस वक्त कई लोग बाइक से आए और उनके ऑटो रिक्शा को घेर लिए और वो ऑटो रिक्शा में ही बैठी थी। इस दौरान भी काफ़ी बहस हुई और हिना शेख ने आरोप लगाया कि जिस वक्त वो ऑटो रिक्शा में थी उनके साथ भी मारपीट की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हिना शेख ने अभी तक मुमरा पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं दर्ज कराया है। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर हमने दूसरे पक्ष से भी जानना चाहा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है। तो दूसरा जो पक्ष है उनका कहना है कि वो इस मामले को लेकर अपना पक्ष बाद में रखेंगे। अगर वो अपना पक्ष रखते हैं तो वो भी पक्ष हम आपको सुनाएंगे। कल दारुल फलाह मस्जिद के पास आपसे कुछ विवाद हुआ था और मारपीट की भी घटना वहाँ पर हुई जी। आपने शायद एक युवक को या दो युवकों को मारा भी है जी। तो क्या पूरा मामला हुआ था, किस वजह से विवाद हुआ जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना शेख है और हुआ ये था कि सर हम ऑटो में जा रहे थे, मैं और मेरी मम्मी और मेरी मेड, हम तीनों ऑटो में जा रहे थे कुछ घर का सामान लाने के लिए। सर ऑटो ट्रैफिक में रुकी हुई थी, दो लड़के यहाँ से गुजरते और मैंने तो उन्हें गुजरता हुए भी देखा, हम तीनों आपस में बात कर रहे थे। उतने में कोई मेरे हाथ को यूँ नोचता है। सर बाज़ार में मैं 100 बार जाती हूँ, धक्का लगता है, धक्का मैं पहचानती हूँ, तीन बच्चों की माँ हूँ, कोई 10-15 साल की लड़की तो हूँ नहीं, तो मेरे को धक्का लगता तो मैं छोड़ देती, धक्का मुझे बहुत बार पहले भी लग जाता है बाज़ार में, लेकिन वो बाकायदा नोचना था, वो यूँ चुमटी लेके जाना था। तो इतनी परमिशन तो किसी को नहीं है कि कोई चलते फिरते यूँ नोच के चले जाए और हम आवाज़ ना उठाए। मैं तो उठाऊँगी और मैंने उठाई, मैंने उसे चिल्ला के ज़ोर से पूछा, मैंने कहा ए तू क्या करके गया? तो बोलता है क्या किया, तो मैंने बोला तूने अभी क्या किया यहाँ पे, गलती से लगा होगा। तो मैं बोली अभी तो तुझे पता ही नहीं था क्या हुआ, आप कह रहा गलती से लगा था, मैंने कहा तूने बकायदा नोचा है मुझे, ये चुमटी लेना होता है, ये चुमटी नहीं ली है तूने मुझे, तूने ऐसे हाथ कैसे लगाया मुझे? मेरी इतनी बोलने की देर थी सर, जिसने किया वो तो चुप हो गया, वो करीब 16-17-18 साल का लड़का होगा, टीनेजर था, उसके साथ दूसरा लड़का था, जिसने छूटते ही मुझे बोला अरे जा जा, बहुत देखी तेरे जैसी। सर मेरा तो पारा हाई हो गया कि मेरी जैसी बोलने का इसका मतलब क्या था। तो मैंने उसको, और बोलते बोलते रोड क्रॉस करके डिवाइडर के उस पार तक वो चला गया था।
मैंने जब उसको ज़ोर से बोला, मैंने बोला मेरे जैसी क्या, मेरी माँ तेरी माँ है मेरे जैसी, कि तेरी बहन है मेरे जैसी। मेरे बोलते ही सर वो रोड क्रॉस करके चार जो के मुझे मारने आ रहा था, जिस डर से मेरे ऑटो वाले ने भी रिक्शा आगे भगाई। तो मैंने मेरे ऑटो वाले को बोला भाई रुको, भगाओ मत, हम गलत नहीं, उसने गलती की, ऊपर से वो चार जो के ऐसे आ रहा है जैसे मुझे मारेगा। तो सर एक औरत ना चार मर्द को फ़ोन कर सकती है, या तो अपने भाई को या बेटे को या बाप को या फिर अपने शौहर को। शौहर मेरे यहाँ थे नहीं, बेटा मेरा एक साल का, बाप मेरा बुजुर्ग आदमी है। मैंने मेरे भाई को लगाया फ़ोन, मैंने वहाँ पे कोई गुंडे बुला के या कोई मोहल्ले के लड़के बुला के वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं करवाए, मैंने मेरे भाई को बुलाया मेरी सेफ्टी देखने के लिए। मैं मेरे भाई को बुलाऊंगी, लाजमी सी बात है मैं बुलाऊंगी। मैंने मेरे भाई को बुलाया, मेरे दो तीन भाई वहाँ पे पहुँच गए। वो लड़का दिखा, मैं मस्जिद से बाहर निकलता हुआ, मैंने उस लड़के को बहुत मारा। उस मोमेंट पे मेरे भाई ने भी, भाइयों ने भी उस पे हाथ छोड़ा, बेशक मारा, उन्होंने भी मारा उसे तो, पर मैंने बहुत ज़्यादा मारा। अगर उसे लगा है या उसे ज़्यादा कुछ लगा है वो मेरी वजह से लगा है, क्योंकि मैंने उसे मारा और मैं मारूंगी। तुम ऐसे चलते फिरते मुझे छू के सोचोगे कि मैं आराम से निकल जाऊँ, तो नहीं निकल सकते। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो मार खा लेगी। तो मैंने उसको वहाँ पर बहुत मारा। जिस वक्त धक्का लगने की बात आई या आपको टच किया, तो आप रिक्शे में थी या पैदल? मैं रिक्शे में थी सर, मैं हम तीनों रिक्शे में थे, मैं मम्मी हम जा रहे थे अमृतनगर से आगे जा रहे थे प्लास्टिक के डब्बे खरीदने के लिए। तो दुकान नहीं दिख रही थी तो धीरे धीरे रोकते हुए जा रहे थे कि कोई प्लास्टिक वाला दिखे तो हम रुकेंगे। तो हम तो जा रहे थे अपना, ये चलते हुए निकले। तो चल अगर ऑटो में भी सर कोई बाजू से जाता है तो यूँ कंधा लग सकता है ज्यादा से ज्यादा, या वो अपना हाथ वाथ कुछ बाल करने जा रहा हो टोपी से ही तो हाथ लग जाएगा। आप ऑटो रिक्शा में बैठी थी तो आपका शरीर का हिस्सा कुछ बाहर की तरफ? हाँ सर, मैं यूँ मुड़ के बैठी थी मेरी मम्मी की तरफ, मैं इनसे बातें कर रही थी सर, ऐसे बैठी थी। तो ये हिस्सा तो मेरा ऑटो के बाहर भी नहीं था, ये तो फिर यहाँ हुआ ना, ड्राइवर की तरफ को हुआ ना सर, बकायदा हाथ आके यूँ चुमटी ली गई है सर, ठीक है? तो यूँ बकायदा यूँ किया गया है, यूँ। लेकिन उन लड़कों का कहना है कि जाते वक्त ऐसे सिर्फ हाथ टच हो गया, ऐसा वो तो कहेंगे ना सर, वो तो कहेंगे। और मुझे तो ऐसे जाते सॉरी भी, हमने कहा सॉरी, सॉरी बोलने की बात खत्म हो जाती। हमारे पास तो वो ऑटो वाले ही प्रूफ होगा ना, जो ऑटो वाला, वो तो कोई हमारा रिश्तेदार है नहीं सर, उसने भी देखा। वो भी बकायदा जब ऑटो भगाने का बोला, बड़े बदतमीज लड़के, एक तो गलती कर दी, माफी तक नहीं मांग रहे। तो ये तो ऑटो वाले ने बोला है हमें, ठीक है? वो तो हमारा कोई सगे वाला है नहीं, कोई मेरे खानदानी रिक्शा तो वो है नहीं सर। तो ऑटो वाले ने भी देखा, इन्होंने कोई सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोली, ये तो अब बोलेंगे उल्टा मुंह चला। ऊपर से मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं कि बहुत देखे तेरी जैसी, तो बहुत कहाँ देखी भाई मेरे जैसी। तो मैंने तुम्हें दिखाया कि मेरे जैसी कैसी होती है, मैंने तुम्हें दिखाया है वहाँ पे कि मेरे जैसी ऐसी होती है। अब इसके बाद हम चले गए सर, इसका इसके साथ मारामारी हुई, सब कुछ हुआ, फिर मेरे भाई लोग अपने घर पे चले गए। या जो आए थे दो तीन लोग और जो मारपीट कर रहे, तो आपके भाई हैं? जी मेरे भाई है, एक मेरा सगा भाई है, एक मेरे मामू का लड़का है, और एक यहाँ पे जो मामू के लड़के के साथ काम करता है वो भी पिछले 10 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भाई है वो भी हमारे। तीनों छोटे भाई है मेरे, एक बड़ा भाई है, बाकी दो तो मेरे छोटे भाई है। जो आया है जिसने मेजरली मारा है वो तो मेरा, मेरे से 7 साल छोटा भाई है। तो सर भाई तो खून खोलेगा सर, किसी की भी बहन के लिए कोई बोल देगी कि मुझे नोच रहा है या ये कर रहा है, बोल रहा है तेरे जैसी बहुत देखी, तो सर मारेगा, बिल्कुल मारेगा, इसीलिए उसने मारा, ठीक है? फिर उसके बाद हम बाजार गए, डब्बे वब्बे खरीदे, फिर मम्मी वगैरह हम लोग ऑटो में बैठे। ऑटो वो जो कोसा कब्रिस्तान है वहाँ से हमने ऑटो का यू टर्न लिया। यू टर्न लेके जब हम आ रहे थे सर, अचानक से जो किड्स कैंप है, किड्स कैंप के सामने, एग्जैक्ट सामने, एक दो तीन पता नहीं सर, लगातार बाइकें आती चली गई, लड़के आते चले गए, और जो उन्होंने सर वहाँ पे उधम मचाई है, बकायदा उन्होंने जो हमें 1.5 घंटे वहाँ पे कैदी बना के रखा है, हरेसमेंट किया है। मेरी माँ बीमार वहाँ हाथ जोड़ रही है, रो रही है, कह रही है मैं दिमागी डिप्रेशन की शिकार हूँ, मेरे को चक्कर आ जाएगा, मेरा BP हाई हो जाएगा, हमें जाने दो, तुम्हें लड़के चाहिए, तुम पुलिस स्टेशन पहुँचो। मेरे पास में वीडियो है सर जिसमें मेरी आवाज़ में सुनाई दे रहा है, मैं उनको कंटिन्यू बोल रही हूँ कि ये तरीका नहीं है जो तुम औरतों को यहाँ खड़े रह के रोड पे, ये तुम सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी दिन दहाड़े यहाँ पे कर रहे हो, तुमको प्रॉब्लम है ना, तुम चलो पुलिस स्टेशन। मैंने सर मेरे फ़ोन में स्क्रीनशॉट रखा है, मैंने पुलिस के 100 नंबर पे मेरे फ़ोन से आठ बार फ़ोन लगाए घबराहट में। जो ऑटो वाला था, मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं लाए थे, मैंने ऑटो वाले भाई को बोला भाई आपका फ़ोन तो दो, तो उन्होंने फ़ोन दिया। मैंने उनके फ़ोन से 100 नंबर पे 5-6 बार फ़ोन लगाए, फ़ोन कनेक्ट हो ही नहीं रहा था, मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी कि मैं वहाँ पे कौन से लड़के लोग बोले आप मांग रहे थे, कौन से लड़के लोग को मांग रहे थे? वो लोग जिनने मारा तो वो लड़कों को बुलाओ, हाँ जिन जो मेरे भाई आए थे उनको बुलाओ, उनको आप जब उनको तू बुलाएगी, जब उसको उसका हम यहाँ पे तुझे बताएंगे कि मर्द क्या होते हैं, उसके बाद उसको यहीं नंगा करेंगे, उसको फिर हम बताएंगे,
उसको तब जाके तुमको यहाँ से जाने देंगे करके। और उसके बाद बाजू में लड़का खड़ा है वो बोलता है अरे महिला मंडल को बुलाओ, ये वो करके सबको बुलाओ और मोहल्ले की औरतों को बुलाओ, पहले इसे औरतों से पिटवाओ। पहले तो ये था कि औरतों को बुलाओ औरतों से पिटवाओ, फिर तो औरतें आई नहीं कोई इनकी महिला मंडल को। इन्होंने मेरे सामने बहुत फ़ोन किया, बहुत पता नहीं कौन सी महिला मंडल को फ़ोन किया था जो डेढ़ घंटे तक भी वहाँ पहुँची नहीं, क्योंकि तुम नकली फ़ोन कर रहे थे, तुम गलत थे ठीक है, तो हमें डरा रहे थे। उसके बाद सर रिक्शा में मुक्के चलाए, मुक्के ठीक है, मेरी मम्मी ने उनका हाथ पकड़ा है मर्दों का, तो दूसरे मर्दों ने मम्मी का हाथ पकड़ पकड़ के हाथ छुड़ाया है कि इसका हाथ हटाओ, इस औरत का हाथ हटाओ, इसको मारो, मतलब मुझे मारो, इसका हाथ हटाओ, इसका हाथ पकड़ो, ये वो करके। फिर उस औरत की, वो लड़के की माँ आई, फिर उस लड़के की माँ ने मेरे पे बहुत हाथ उठाया ठीक है। मेरी मम्मी ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था, उसने एक हाथ से मुझे कम से कम 7-8 बार मेरे सर, मैंने मुंडी घुमा ली थी मेरे सरी सर पे उसने मुझे बहुत बार मारा ठीक है। और उन लड़कों ने यहाँ मम्मी का हाथ पकड़ के रखा था कि ये रोक ना पाए किसी कीमत पे उनको। आपने पुलिस में कुछ कंप्लेन वगैरह सर नहीं गई, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत इतनी डाउन हो गई थी सर उस वक्त में कि वो इतनी टॉर्चर हो गई थी, उनको जरा सा घर में कोई बच्चा पिट जाए ना माँ से या बाप से तो मेरी मम्मी वैसे ही बीमार पड़ जाती हैं कि उसे मार दिया, वो टेंशन लेती हैं, वो बीपी डायबिटीज उनको 100 बीमारियाँ हैं। वो घर पहुँची, उनको घर में जाके 1 घंटे तक तो घर में उनको ठीक करा जा रहा था, उनको टॉर्चर हो गया सर, मेंटल टॉर्चर दे दिया। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार ये होते। तो ये कोई तरीका सर, तुम कैसे 1.5 घंटे 1.5 घंटे तक सर तुम किसी औरत को, दो औरतों को तुम कैसे घेर के खड़े रह सकते हो? किसने दिए तुम्हें ये परमिशन कि तुम ऐसे किसी को लॉक कर दो? तुम 1.5 घंटे तक किसी को कैसे रोक के रख सकते हो? उसके बाद बोल रहे हैं मेरी माँ को और मेरे को कि ये इन जैसी जो औरतें होती हैं ना, ये बाज़ारों में आती हैं, ये जान करके ये लड़ाइयाँ करके लड़कों से छुआती हैं, और ये मतलब हम इज्जतदार लोग, मतलब तुम कह रहे हो कि मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, मैं हमारे नज़रों के सामने बड़ा, हम इज्जतदार लोग हैं, तो क्या सर हम क्या हम बेइज्जत लोग हैं? हाँ क्या हम बेइज्जत लोग हैं? क्या हम रस्तों पे, हमारा यही काम है? हम यहाँ पे बिजनेस खोल के बैठे हैं, हमारे 3-3 बच्चे अच्छे स्कूलों में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, हम उनको अच्छी तालीम दे रहे हैं, अरबियाँ पढ़ा रहे हैं घर में, हम इसीलिए क्या हमारे घर में ये काम चल रहा है, हम ये कर रहे हैं कि हम रास्तों पे जाके मर्द को हमें छुआ रहे हैं? सर हमें कमी नहीं है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शौहर हैं, हम संतुष्ट हैं, हम ये कामों में नहीं लगे हुए यहाँ पे कि इस कदर का गंदा सर, नंगी नंगी गालियाँ उन आदमियों को। जो वीडियो पोस्ट हुई है सर रफीक अंगार के चैनल पे, उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो मर्द हम पे चार्ज मारने आ रहे हैं, उन्हें बाहर की पब्लिक ने पकड़ा है कि ये मत करो भाई, औरतें मतलब मारने को तैयार थे सर। उन्होंने 2-3 बार तो मुक्के भी चलाए ऑटो के अंदर, वो तो मेरी माँ ने, मेरी माँ के तो हाथ वात में लग गया है 2-3 बार, क्योंकि वो ही रोक रही थी कि मुझे ना लग जाए, वो मुझे मारने आ रहे थे। मेरी मम्मी बार बार रोक रही थी, उनके हाथ में मुक्का लगाए, उनके 2-3 बार उन्होंने हम पे हाथ उठाने की कोशिश की है, वो तो अल्लाह था जिसने बचा लिया कि वो टच नहीं कर पाए मुझे। और बस उन्होंने मतलब जो 1.5 घंटे का सर ट्रॉमा दिया है ना हमको, रात भर का ट्रॉमा, मतलब वो तो नसीब मानो सर के मेरे बच्चे नहीं थे, वरना ना मैं जब बाज़ार निकलूँ या किसी काम से निकलूँ ना, मेरे 3 में से 2 बच्चे तो मेरे साथ आते सर। अगर मेरी बेटियां होती ना तो ये ज़िंदगी भर का फ्यूचर में सर इनके दिमाग में ये ट्रॉमा बैठ जाता कि बाहर की दुनिया ऐसी है कि मतलब हम बाहर कुछ नहीं कर सकते, ये कि हमें कोई नोचते तो हमें चुप बैठना है, वरना हमें लोग रस्ते पे ऐसे घेर लेंगे, हम अटक सकते हैं, हम कुछ हो सकते हैं, मतलब ये ट्रॉमा कैसे, मतलब अपने लिए आवाज़ ना उठाए, नहीं उठाती होंगी सर कुछ होंगी औरतें बेचारी कह लो, उन्हें कुछ कह लो, नहीं होगी उनमें इतनी हिम्मत के नहीं बोल सकती सर मेरा खून नहीं है, मैं ये आज हुआ है किस्सा, कल भी अगर मुझे कोई छेड़ के जाएगा मैं कल भी खड़ी होंगी, मैं कल भी मारूंगी और बहुत मारूंगी, मैं हमेशा करूंगी, मैं तो किसी का ऐसे छूना बर्दाश्त नहीं करूंगी। गलती अलग होती है, जान मुझके की हुई चीज़ अलग होती है, जब मैं बोल रही हूँ मुझे जान मुझके किया है तो किया है, मैं पागल नहीं हूँ जो मैं ज़बरदस्ती के ये पंगे करूंगी रास्ते में। मैं भी ले रही हूँ, तुम क्या वीडियो ले रहे हो?